सो गाइस सही में हमें आर्मी वालों ने रोक दिया, पुलिस और आर्मी दोनों है, और वो उन्होंने हमारी चेकिंग कर ली। वो बोल रहे हैं कि गाड़ी चेक करो, डिक्की चेक करो, मेरे नाम कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल ली, और फिर के कहाँ के हो के यार, हम तो यहीं के लोकल उदयपुर के नानसा के। सर ओकाश महादेव, सर महादेव पार्ट बंद हो चुके हैं महादेव जी के। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अभी सुबह, ये भाई मेरा गाड़ी चला रहा है। हम अभी जा रहे हैं ओबेश्वर जी महादेव, आज सोमवार है तो महादेव जी के दर्शन करने के लिए हम जा रहे हैं ओबेश्वर जी महादेव। ये भाई सब चला रहे गाड़ी फुल, आज हमारी लीनिया ही हमने इनके हैंड ओवर की है। तो गाइस आज मैं उठ तो गया था वैसे सुबह 6:30 बजे जा रहा हूँ, 6:30 बजे उठ गया था, फिर काफ़ी देर फ़ोन दिखता रहा, फ़ोन देखते देखते बच गई मेरी नो, फ़ोन चलाते चलाते ऐसा। उसके बाद फिर अब नहाए हैं और अब निकले हैं बाहर, यूँ मतलब ओबेश्वर जी के दर्शन करने के लिए। आज सोचा कि भाई चलो आज चलते हैं महादेव जी के दर्शन करके भी आते हैं, काफ़ी टाइम हो गया ओबेश्वर जी गए हुए भी, तो आज प्लान भी बनाया कि चलो ओबेश्वर जी ही चलते हैं दर्शन करने के लिए ऐसा। तो ये देखते हैं, आप भी दर्शन कीजिए महादेव जी के हमारे साथ, आपको अच्छा लगेगा है ना ओबेश्वर जी। काले वाली वा वीडियो पोस्ट करी, काले वाली वा वीडियो आज जाएगा पोस्ट आज होगा, शाम को 4 बजे लाइव होगी, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना कमेंट जरूर करना, लाइक करो, फॉलो 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 वही सब्सक्राइब हो गया। पेट्रोल पंप पर रुके और फ्यूल भर रहे थे, 2 दिन से गाड़ी पार्किंग में ही खड़ी थी तो धूला जम गया, गंदी हो गई। वही मैं कह रहा टैंक फुल नहीं, क्यों नीचे ढोलना क्यों? अपनी कमान पे आ गए हम। तो गाइस रविंद्र सिंह बोल रहे हो दादा, हाँ स्टीयरिंग टाइट है, इससे संभल नहीं रही गाड़ी, तो मैं तो चलो हम भी चलाते हैं, अपनी गाड़ी अपन से संभलती है। तो गाइस एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ ये है कि फ्यूल भरा दिया है एंड मेरा जो ब्रदर है ये प्रवीण सिंह, थोड़ा शक्ल दिखा, तो इनके क्या है कि ये दिवाली पे 10 तारीख को XUV700 महिंद्रा की नई गाड़ी है, वो भैया ले रहे हैं टॉप मॉडल, तो उसकी डिलीवरी होगी 10 तारीख को, उस समय तो शूट करेंगे अपन, बट फिलहाल हमारा यूँ मन है कि कल एक बार जाके गाड़ी को देख के आएंगे, और मेरा फिलहाल कोई गाड़ी लेने का मन नहीं, पर फिर भी मैं एक दो गाड़ी को टेस्ट ड्राइव ले लूँगा पर देख के जरूर आएंगे। ठीक है, ट्रक आई गया गाड़ी को चेक करा, अरे ये अच्छा वरुण लगी थी बोल के, इनको गुजराती गाड़ी लगी तो ये बोल रहे कि चेक करो।
सो गाइज सही में हमें आर्मी वालों ने रोक दिया, पुलिस और आर्मी दोनों हैं और वो उन्होंने हमारी चेकिंग कर ली। वो बोल रहे हैं कि गाड़ी चेक करो, डिक्की चेक करो, मेरे नाम कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल ली और फिर के कहाँ के हो के यार, हम तो यहीं के लोकल उदयपुर के नानसा के चेक कर रहे हैं। अभी क्या है कि वो इलेक्शन है ना, तो आचार संहिता अभी वो क्या क्या लगी हुई है, आचार संहिता क्या क्या लगी हुई है, मेरे को नाम ही याद नहीं आ रहा। आचार संहिता लगी हुई ना, हाँ, तो उस वजह से क्या चेकिंग चल रही है। तो मैं पता है नानसा जाके आ गया, वहाँ पे बिल्कुल कुछ बीच में चेकिंग ही नहीं थी, पर आज उदयपुर में यूँ निकले पेट्रोल भरा के घूमने के लिए तो वहाँ चेकिंग स्टार्ट हो गई। हद है, कोई बात नहीं, देखो होते हैं चेकिंग होती है, कॉन्टेक्ट नंबर जैसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी होती है। तो वैसे पुलिस वाला आज पुलिस वालों ने नहीं पकड़ा, मुझे फौजियों ने पकड़ लिया। पुलिस वाला पकड़े तो गम नहीं होता था, दुगले नुबो हमें बंदूक है हाथ में अति मोटी मुके लगा, हाँ वो मैंने उसको बोला लगा रहा हूँ साइड में टायर फाड़ देता। और सो गाइस हमें ओबेश्वर जी नहीं पहुंच पाए एक्चुअली, एक बीच में आधे रास्ते से वापस आए, घाटा था और घाटे पे काम चल रहा था और फिर मेरी गाड़ी का पिकअप भी टूट गया, पर ज़्यादा पिक ले नहीं रही थी, सो काम चल रहा था इस वजह से फिर हम लोग गए भी नहीं है ना, और वापस आए हैं। तो रामपुरा पे ही मंदिर है, एक बार महादेव जी का वहाँ दर्शन कर लेंगे पहले, ऐसा करवा थोड़ा घूमना हो गया। तो गाइस घाटा बहुत स्टिफ था, घाटा था थोड़ा, और उसके ऊपर बीचों बीच घाटे के ऊपर काम चल रहा था, मतलब वहाँ पे मेन जो होता है ना वहाँ पे ट्रैक्टर खड़े थे बीच में, तो फिर ना तो शूट कर पाया मैं, फिर गाड़ी चढ़ने में प्रॉब्लम दे रही थी, तो फिर हमने वापस वहीं से रिटर्न ले ली।
रिस्क के मतलब नहीं आ गया और घाटे पर काम चल रहा है, क्या पता आगे कहीं और बंद हो तो फिर गाड़ी मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद वापस नॉर्मली वापस हम आए थे क्योंकि इसका पिकअप टूट गया था ना मतलब वहाँ पे, तो फिर चढ़ने में प्रॉब्लम कर रही थी। चलिए वापस आ गए नीचे हम लोग और फिलहाल अभी किसी गाँव के अंदर हैं, यहाँ पर यहीं से हम वापस निकलेंगे अभी उदयपुर के लिए। उदयपुर मतलब यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर है। कोई है पार्ले जी? जी पार्ले जी, हम पार्ले जी खाएंगे और एनर्जी। सुबह क्या ब्रेकफास्ट नहीं किया था और भूख भी लग रही है। नहीं नहीं सो पार्ले जी हमने लिया है फॉर, थोड़ा खाएंगे तो भूख मिटेगी। अब ऑफिस में लंच करूँगा मैं 1 बजे समथिंग, तो लेट हो जाएगा उसमें। डोज लिया थोड़ा सा, हम खाएंगे पार्ले जी। जी पार्ले जी, ये बिस्किट मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली, हम पहले बहुत खाते थे तो बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। सुबह से ना चाय पी ना कुछ, ना कोई नाश्ता किया। जय बाबा जी, जय हनुमान जी। तो गाइस अभी आया हूँ मैं यहाँ पे, माता जी का मंदिर है एंड हनुमान जी का भी है, शनि महाराज है, देव शनि महाराज बेरू देवता है और चामुंडा माता की, जय माता जी की। ओकार सर ओकार सर, हर हर महादेव पाठ बंद हो चुके हैं महादेव जी के, अंदर दरबार विराजे हैं महादेव जी। कलर का काम भी चल रहा है भाई साहब, 1 मिनट हम क्या अभी वाइट हो जाएंगे सर, अभी चलते हैं, अभी ऑलरेडी वाइट है ये भाई तू वाइट है, मैं वाइट नहीं हूँ। तो दर्शन हो गए महादेव जी के, पाठ बंद थे फिर भी दर्शन किए। सो गाइस दर्शन हो चुके थे महादेव जी के बढ़िया से, है ना। अब वापस मैं यहाँ ऑफिस के लिए निकलूंगा, है ना। सो अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे कल, क्योंकि कल मुझे नहीं पता कल क्या करना है, कल कुछ ना कुछ करना है, कल क्या करना है ये नहीं पता। सो या अभी फिलहाल इसको यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल, है ना।